अष्टांग का पर्व चल रहे हैं, उसमें आप एक अनुष्ठान विधान का कर रहे हैं और आज यह पर्व का तीसरा दिन है और ऐसे ही आठवां भी दिन आ जाएगा। चतुर्मास की स्थापना भी हो जाएगी और चतुर्मास की निष्ठापना भी हो जाएगी। आपकी स्थिति ऐसी ना हो उस गधे की तरह कि वह जब गर्मी का समय रहता है तो गधा को भोजन आदि की आवश्यकता रहती है, वह गधा सोचता है खाने के लिए कुछ नहीं, हर जगह सूखा ही सूखा है। और वह जब गधा दृश्य का अवलोकन करता है, कहता कहाँ वह समय था कि खाने के लिए कुछ नहीं था, आज वह समय है कि चारों ओर हरियाली हरियाली है, आखिर हम कितनी घास खा पाएंगे। और सोचते सोचते ही वह भूखा रह जाता है और अपना समय ऐसे ही व्यतीत कर देता है। काश आपके साथ भी ऐसा ना हो। लग रहा है चतुर्मास 4.5 महीने का होगा, बहुत समय है महाराज और कर लेंगे ना। ऐसे ही गधे की तरह आप भी भूखे ना रह जाए कि लगने को चतुर्मास बहुत बड़ा होता है, पर आचार्य कहते हैं साधकों के लिए तो पूर्व कोटिजा का जीवन भी कम पड़ता है। जो भी पूर्व जीवन में अनादि काल से कर्म किए हैं, उन कर्मों का संग्रह किया है, उन कर्मों को समाप्त करने के लिए बहुत साधना की आवश्यकता होती है और बहुत समय की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ऐसे साधक जब उस साधना में लीन होते हैं चतुर्मास आदि की, लोग तो यही कहते हैं महाराज पूर्व के साधक उस जंगल में रहा करते थे, हमने कहा हम भी जंगली में रहते हैं। वो वृक्षों के जंगल में रहते थे, हम सीमेंट के जंगल में रहते, बस इतना ही अंतर है, जंगल तो दोनों है। पर आचार्यों की आज्ञा है कि अब हीन संगन के कारण अभी वर्तमान समय में इतनी शरीर की क्षमता नहीं है कि हम जंगल में रह के अपनों सर्दी गर्मी बरसात आदि सहन कर सकें। तो इस प्रसंग को लेकर गुरुदेव ने यही कहा था कि अगर अपन साधना में निरंतर जितना आवश्यक बोलना है, जितनी प्रवृत्ति आवश्यक है, अगर इस तरह हम अपना जीवन निकाल रहे हैं तो आज हम जंगल में ही हैं। जितनी क्षमता हमारे अंदर है उस क्षमता का उपयोग बाहरी कार्यों में नहीं करके जिस उपलब्धि को आपको प्राप्त करना है, जिस उद्देश्य को आपने दीक्षा ली है, अगर उस उद्देश्य में लगे हैं तो आप निरंतर जंगल में। तो आज पर्व का तीसरा दिन है। पर्व तो लोग यही मानते हैं कि अच्छे अच्छे वस्त्र हमने पहन लिए, अच्छे अच्छे आभूषण पहन लिए, अच्छे अच्छे मिष्ठान बना लिए, बस महाराज पर्व हमारा मन गया। पर आचार्य कहते हैं पर्व उसे ही कहते हैं जिसमें पाप विषय कषाय इनकी मात्रा निरंतर घटती चली जाए और तप त्याग आदि की मात्रा जिसमें बढ़ती चली जाए, उसको ही तप कहते हैं, उसको ही पर्व कहते हैं। अगर इन पर्वों के दिन में हमारी पाप की मात्रा घट रही है तो पर्व मनाना ज़्यादा आनंददायक है, और अगर जो हमारी प्रवृत्ति प्रतिदिन पर्व के अलावा दिनों में चलती है वही उसी तरह हम अगर पापों में लगे हुए हैं तो पर्व मनाने का कोई आनंद नहीं है। आनंद तो है, पुण्य तो संचय होगा, पर आप जितना करेंगे उतना ही होगा। पर आप पांचों पापों से जहां विराम लगाएंगे, हिंसा के कार्य हमारे द्वारा प्रतिदिन होते हैं गृहस्थों के हमारे नहीं, तो आप उनमें कहाँ कटौती कर सकते हैं। व्यापार में भी अनेक प्रकार की हिंसा हुआ करती है, व्यापार का हम समय कितना घटा सकते हैं और व्यापार में होने वाली हिंसा को हम कितना कम कर सकते हैं। तब हमें कुछ लगेगा कि आज
अभी अष्टान का पर्व चल रहे हैं और हम पापों से इस तरह निवृत्त होती चली जाएगी। आचार्य कहते निरंतर साधना ऐसी ऐसी करते करते वे पाप की मात्रा निरंतर घटती चली जाती है। आज आपने 8 दिन के लिए घटाया, फिर धीरे धीरे और बढ़ेगा और आपका अभ्यास बढ़ेगा, पर एक सीमा फिर बस सीमित पाप हो जाएगा। तो हिंसा हमारे द्वारा व्यापार में होती है, पर हम अगर उसको समय कम कर देंगे व्यापार का पर्व के दिनों में, तो उतनी हिंसा से हम बच जाएंगे। इसी तरह घर के कारम में भी कहाँ कहाँ हिंसा होती है, तो हम उस हिंसा से बचने का प्रयास करें। घर के कारों में हमें पर्व के दिन कितनी अहिंसा का पालन करना, ये तो विचार करने की बातें हैं। जैसे कोई व्यापारी आदि कोई भी होता है, तो कार्य होने से पहले एक प्लानिंग उसकी होती है। इसी तरह पर्व आने से पहले एक अपनी प्लानिंग होने चाहिए कि पर्व शुरू होने वाले हैं, हमें इस तरह किस प्रकार से हिंसा से बचना है, तो हम कुछ उपलब्ध कर पाएंगे। और उस पर्व का आज हम याद करते हैं उस दृश्य को, पर आपको बताएं किसी को समय नहीं है, इतना व्यक्ति व्यस्त है, हम तो सोच ही नहीं पाते कि व्यक्ति को समय ही नहीं है। महाराज बहुत हमारा जीवन व्यस्त है, किस कार्य में है वो बात अलग है, व्यस्त तो है ना, किस में व्यस्त है। तो आचार्य कहते हैं हिंसा झूठ आदि जो भी चोरी कुशील परग्रादि इन कारों में वह व्यस्त बना हुआ है, इतनी व्यस्तता है उसकी कि आचार्य महाराज कहते हैं गृहस्थ उत्कृष्ट सामायिक तो यूं कर लेता है, और वो भी बैठ के नहीं खड़े होके कर लेता है। कब उसकी उत्कृष्ट सामायिक हो जाती है पता ही नहीं। वैसे तो कष्ट हो सकता है, पर व्यर्थ की चर्चाओं निंदा और अन्य कारों में कैसी कितना समय हमारा निकल जाता है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं रहता है। पर ये विचार करें कि कितना हमारा कीमती समय उस मनुष्य पर्याय का जा रहा है, जो मनुष्य पर्याय अपने कल्याण के लिए मिली है, वह कल्याण के कारों में नहीं लगा के वह संसार बढ़ाने के लिए कारों में हम लगे हुए। तो इस तरह आचार्य ने तो पुराण सीमित ही बनाए हैं, कितने होंगे पुराण सीमित होंगे, पर इस दुनिया में इस लोक में तो इतने सारे पुराण हैं कि एक पुराण भी एक दिन में पूरा नहीं बच पाता है। इस तरह की व्यर्थ की चर्चाएं शाम सुबह दिन आदि में होती हैं, जो केवल शुद्ध पाप के लिए ही कारण हुआ करती, उसमें पुण्य का संचय नहीं होता है। क्यों? निंदा करने से नीच गोत का बंध होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत के 6 अध्याय के उपसंहार में लिखा है कि प्राप्त निंदा आप प्रशंसा, पर की निंदा और अपनी प्रशंसा करना ये नीच गोत बंध के लिए कारण है। और कर्म कांड के हिसाब से नीच गोत का बंध द्वितीय गुरुस्थान से आगे होता नहीं है। जब भी नीच गोत का बंद होगा द्वितीय गुरुस्थान में रहना आवश्यक है, और द्वितीय में रहेगा तो पहले में वही नियम से आएगा, वहाँ से विकास नहीं होता। तो अगर द्वितीय गुरुस्थान में इस निंदा के प्रसंग में हम जाते हैं तो सम्यक दर्शन ही नहीं रहा, अन्य ऊपर के गुरुस्थानों की तो हम कोई चर्चा ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हिंसा आदि जो भी कार्य हैं उनसे हमारा कितनी हमें छुट्टी मिल रही है उनको विचार करने का है। असत हमारे द्वारा कितना बोला जा रहा है, कितनी व्यर्थ की आदि चर्चाएं होती हैं जिसमें असत्य का प्रयोग होता रहता है, पर हमें इसका बोध नहीं होता है। तो हम असत्य का प्रयोग कितना घटा सकते हैं, और मोबाइल आने से तो फिर असत्य की आप मात्रा जानते हैं कितनी बढ़ गई है, आप ही समझे ना। महाराज आपको पता कैसे रहता, पता ऐसे रहता को बेटा हमारे पास है वो बोल रहा है कि हम अभी रास्ते में हैं, इससे ज्ञात होता ना। और भी बहुत सारे प्रसंग होते हैं। तो ऐसे असत्य आदि असत्य की मात्रा कितनी इन पर्वों के दिन घट रही है, और हम सत्य का प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर्व का आनंद हम ले रहे हैं, और पाप से बच के उस पुण्य का संचय हम निरंतर करते चले जा रहे हैं, तब वह फल मिलने वाला है। इसी तरह चोरी के भी जो प्रसंग हैं, उन चोरी के जो प्रसंग हैं, वह चोरी
जहां हमारे द्वारा होती है, चाहे व्यापार के द्वारा टैक्स चोरी हो, चाहे और भी तरह तरह की चोरियां हों, अनेक प्रकार की चोरियां होती हैं, उस चोरी से हम कितने निवृत्त होते चले जा रहे हैं। और इसी तरह कुशील पाप है चौथे नंबर का, उसमें हम ऐसे पर्वों के दिन में तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन होना ही चाहिए। आचार्य कहते अन्य दिन जो पाप किए जाते हैं और पर्व के दिन जो पाप किए जाते हैं उससे अधिक पाप का संचय होता है। अन्य दिन वही पाप आप करेंगे तो उतना पाप का बंध नहीं होगा, पर पर्व के दिन जो आप पाप करेंगे उससे तीव्र पाप का बंध होगा। इसलिए पर्व के दिन तो ऐसे ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए, ऐसा अपने जीवन में अभ्यास होना चाहिए, तब वह अभ्यास आपका एक दिन पूर्ण रूप से बन जाएगा और आप उस पाप से हमेशा के लिए निवृत्त हो जाएंगे। आज पाप बढ़ाने वाले इतने साधन बढ़ रहे हैं, इतने साधन बढ़ रहे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, चाहे कंप्यूटर हो और चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो और चाहे तरह तरह के मैगजीन एल्बम आदि पत्रिकाएँ हों, ऐसे निरंतर साधन बढ़ रहे हैं जिन्हें लोग इंतज़ार करते हैं कि वह पत्रिका कब आने वाली है, बुकिंग रहती है, लोग बताते ऐसा इंतज़ार करते हैं। शास्त्रों को पढ़ने में तो नींद आती है महाराज, नई नींद का समय है तो भी नींद आती है, पर आचार्य कहते हैं इन कामों में नींद आ भी रही है तो नींद भी भाग जाती है। चूँकि रुचि से संबंध है, जिस कार्य में आपको रुचि है उसमें ना नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना सिर दर्द होगा, ना आपका मुख दर्द होगा। लोग कहते हैं सिर दर्द हो रहा, हाथ दर्द, पर कोई ने आज तक नहीं कहा कि हमारा मुख दर्द हो रहा, सुना आपने कभी? घंटों बोलने के बाद भी लोग यही कहते हैं, हाँ अभी हम थके नहीं, और क्या होगा, और क्या होगा, ये सारी वार्तालाप चलती रहती है और निरंतर पाप का संचय होता है। तो ऐसा ब्रह्मचारी व्रत की रक्षा के लिए ऐसे साधनों से बचना होगा, तब हम उस कुशील पाप से बच सकेंगे, ऐसे भोजन से बच आएगा, ऐसे तामसिक भोजन आलू प्याज आदि लहसुन, ये तामसिकता बढ़ाने वाले हैं, इन तामसिक भोजन से उस कर्म की उदीर्णा हुआ करती है और आप नहीं चाहते हुए वैसे परिणाम होंगे। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जहाँ पांच मृत महाव्रतों की भावना में यही लिखा कि इष्ट और गरिष्ठ, इसका निषेध किया, इसलिए कि वह आपकी विचारधारा में क्या है एक कारण बन जाएगा और वैसे आपको कार्य करने का भाव हो जाएगा। महाराज हमारा तो पाप करने का त्याग है नहीं, त्याग तो है नहीं तो हम इसलिए पाप लगेगा नहीं, ऐसी धारणा मत बनाओ कि हमारे पाप का त्याग नहीं है तो पाप नहीं लगता है, पाप तो सभी को लगता है जो उसका त्याग नहीं करते। तो ऐसे ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना ही चाहिए, तब आप आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने ब्रह्मचारी अवस्था में एक पुस्तक लिखी मानव धर्म, वह रत्न साक्षार ग्रंथ है, उसका ही वह विस्तार रूप है, उसका ही उनका व्याख्यान है। उन्होंने लिखा कि ब्रह्मचारी व्रत तो चिंतामणि के समान क्या है, चिंतामणि रत्न के समान बहुत क्या है फल देने वाला है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उन्होंने लिखा बड़ी बड़ी सिद्धियाँ, बड़े बड़े कार्य जिस साधना से नहीं होते हैं, एक ब्रह्मचारी व्रत की निर्दोष पालन करने से वह बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हो जाती हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हो जाती हैं, देव आके क्या करते हैं उसकी अर्चना पूजना करती है, ऐसा आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने उस मानव धर्म में लिखा है। ऐसे ऐसे कार्य हो जाते हैं, तो ऐसे ब्रह्मचारी व्रत का आरण पालन कर रहे हैं तो उस पर्व का हम आनंद ले रहे हैं, नहीं तो जीवन यूँ निकल जाएगा। मनुष्य पर्याय कितनी कठिन है भाई, तो हम आपको बता चुके, और मनुष्य पर्याय में रह के भी हम समय को काट रहे हैं, समय को नहीं काटना है। आचार्य जी कहते हैं समय तो कट जाएगा, समय को नहीं कर्म को काटना है। समय तो सुबह से शाम और शाम से सुबह यूँ निकल जाती है, पता नहीं पड़ता कब सुबह होती है, आपको पड़ता पड़ता नहीं, हमें तो कभी पता पड़ता ही नहीं कि कब सुबह होती है, कब शाम होती है, कब रात होती है, कब दिन निकल जाता, कौन सी तिथि, कौन सा दिन, ये सब कुछ निकल जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं साधना करने वाला का भी समय कट रहा है और पाप करने वाले का भी समय कट रहा है, समय दोनों का कट रहा है, पर एक की धारा विपरीत है, वो एक की धारा क्या है सीधी
ऊपर की ओर गमन कर रही है। तो इस तरह आप चौथे नंबर का पाप हो गया, पांचवें नंबर का पाप परग्रह है। आचार्य जी कहते परग्रह को तो कोई शायद पाप ही नहीं मानता हो, क्योंकि इस तरह से बढ़ाने में लगे हुए हैं महाराज। गले में भरी चैन पहने हो, ना तो रात में चैन है और ना दिन में चैन है। एक ही एम है कि हमें इंडिया में कोई या विदेश में समझ ले कोई नंबर हमें लगाना है। पर आचार्य कहते हैं भली करोड़पति बन पाए चाहे नहीं, पर रूटपति तो आप बन ही जाएंगे। अगर आपने ये लक्ष्य बना लिया कि हमें इतना पैसा अर्जन करना है, करोड़ अरब कमाना है, भली संग्रह हो पाए चाहे नहीं, भाव मात करने से उसका पाप तो आपको बंद हो ही जाएगा। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत के सप्तम अध्याय में लिखा मूर्छा परिग्रह, क्या लिखा, जितने में आपकी मूर्छा है उतना आप परिग्रह की क्या है कर्म बंद के लिए कारण है, भाव है आपकी बने चाहे नहीं बने। तो इस तरह परिग्रह बढ़ाने वाले जो भी कार्य हैं, परिग्रह बढ़ाने की जो भी सीमा आदि है, इन पर्व के दिन घटाने वाले काम होना चाहिए। हम आप ही नहीं कह रहे आप दरिद्र बन जाएं और मांगने लगें, आपको जितना आवश्यक है उस आवश्यक से आप अपना निर्वाह करें। पर अगर दुर्गति हो जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा, होगा क्या, आयु का जो बंध होगा वो तो जाना ही पड़ेगा, वो तो नियम ही है, आयु का संक्रमण कभी होता नहीं। तो इस तरह इन पापों की मात्रा घटे, जो भी विषय बढ़ाने वाले कार्य हैं, जिनसे विषय राता चक्षु के विषय हैं, इसी तरह क्या है घ्राण इंद्री है, इत्र शैम्पू तरह तरह के पाउडर क्या क्या होते हैं आप ही समझते होंगे, इनमें कुछ चीज़ें घटें। अहिंसा संबंधी जो पदार्थ हैं उनको तो उपयोग नहीं करना, पर अहिंसा से बनने वाले भी उन पदार्थों को हम उसमें कितना कम कर सकते। और रसना इसमें तो फंसने ही नहीं, इसलिए हमने आपसे कहा कि अच्छे अच्छे व्यंजन ग्रहण करना पर्व के दिन, इसका नाम पर्व नहीं है। किसका नाम पर्व है महाराज, तो त्याग क्या करना, त्याग करने का नाम पर्व है। इन पापों विषय कषाय से आप निरंतर बचते चले जाएं, फिर अपने जीवन को देखें कि उस जब पुण्य की सुगंधि महकेगी स्वर्गों में तब कितना आनंद आएगा। उस आनंद जब आप आएगा तब आपको इस पुण्य की कीमत पता पड़ेगी। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा पर वो धर्म की